हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब यस डियर स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन द टॉपिक एंड द टॉपिक इज रिलेटेड विद द प्रीवियस टॉपिक यस इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर न्यू बैचेस हमने हमारे न्यू बैचेस के बारे में आपसे डिस्कशन की थी और जो न्यू बैचेस हैं वो हमारे किस बिहाफ पर चलेंगे हमने आपको चार बैचेस के बारे में डिस्कशन बताया था फर्स्ट वन होगा टेंथ सी का सेकेंड वन होगा प्लस टू सी का थर्ड वन होगा एयरफोर्स क्विक रीजन एंड फोर्थ जो होगा वो हमारा होगा केवीएस एंड एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग तो चार बैचेस जो हैं वो हमारे पैरेलल चलेंगे इसके साथ साथ जो रेगुलर बैच चल रहा है एनडीए का वो भी हमारा एज इट इज चलेगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर इन चार कोर्सेज़ के रिगार्डिंग अगर आप टेंथ सी स्टूडेंट हैं एच स्टूडेंट हैं तो आपके सी स्टूडेंट्स की जो डेट शीट है वो आ चुकी है तो उसके भी हाफ पर एंड अगर आप प्लस टू सी स्टूडेंट हैं एच स्टूडेंट हैं अपने सिलेबस के क्विक रिवीज़न के लिए आप आ सकते हैं हमारे साथ एयरफोर्स एग्जाम अगर एक्स ग्रुप का आप दे रहे हैं तो अगर आप, एस्पिरेंट हैं आप

एंड uh, आपका एच पी स्क्रीनिंग उसकी ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों को पैरल लेकर चलेंगे और फर्स्ट पेपर की पैडागोजी जो है उसके रिगार्डिंग भी स्टूडेंट्स के बहुत सारी क्यूरीज आती हैं तो उसके लिए भी हम सोल्यूशन लेकर आएंगे लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट एनी डिले एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द हैक ड्राइवर इट इज रिलेटेड विद द क्लास टेन फुट प्रिंट्स विदाउट फिट एंड द ओथर नेम इजरे

वोज द फर्स्ट फर्स्ट प्ले राइट ऑफ द यूएस हु वोन द नोबेल प्राइज इन नाइनटीन थर्टी तो मतलब नाइनटीन थर्टी में यूएस का पहला प्ले राइट जिसे नोबेल प्राइज मिला था वो थे हमारे हेरे सिंक्लेयर लेविस एंड दैट्स वाई इट्स इंटरेस्टिंग टू रीड ग्रेट स्टोरी ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इतने बड़े जब नोबेल प्राइज विनर की स्टोरीज अगर हमें पढ़ने को मिल रही है इट मीन वी आर सो लकी लेट्स बिगिन द टॉपिक यस इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड सम पार्ट एंड इन दिस पार्ट बट वी हैव डिस्कस्ड क्या डिस्कस किया है हमने वी हैव डिस्कस दैट वी हैव टू करेक्टर्स विच वन ऑलिवर लुटकिन क्लियर एंडटर ठीक है ओलिवर लुटकिन है एंड नरेटर है क्या स्टोरी है हमारी एंड ओलिवर लुटकिन जो है वो एक विक्टिम है, ठीक है एंड जो हमारा नरेटर है वो अभी अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड ग्रेजुएशन के बाद उसे जो है एक ला फॉर्म में काम मिलता है ही वॉज सो हैप्पी टू गेट दिस जॉब वो स्टार्टिंग में जब उसे जॉब मिलता है वॉज सो हैप्पी बट जब उसे थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद जब उसे अपने काम का पता चलता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है वो सो मच बिकॉज उसे यहां पर क्या काम नहीं दिया गया स्टार्टिंग में उसे लगा कि उसे लीगल ब्रीफ के लिए रखा जाएगा बट उसे लीगल ब्रीफ ना देने के बजाय उसे क्या काम दिया गया ही टू सर्व द सम उसे समन को सर्व करने की ड्यूटी दी गई एंड टू गो उसे जाना पड़ता था कहां पर डर्टी एरियाज़ में जाना पड़ता था एंड उसने अपनी स्टोरी नेक्स्ट पेज में हमें बताई भी कि कई बार तो जो जिनको वो फाइंड आउट करता था वो इतने कॉन्फिडेंट होते थे कि उसे पीट भी देते थे दैट्स वाई ही जस्ट हेटेड हिज जॉब इसलिए उसे अपनी जॉब से बहुत ज्यादा नफरत थी क्लियर And जो एक बार इंसिडेंट जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है ये तो नरेटर का इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कि नरेटर क्या काम करता था स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे नरेटर को भेजा जाता है न्यू मिलियन में न्यू मिलियन में उसे ओलिवर लुटकिन नाम के एक विक्टम को समन देना था जो कोर्ट के बार बार नोटिफिकेशन आने के बाद भी वो जो है वो कोर्ट में नहीं आ रहा था एंड उसका विक्टिम होना बहुत नेसेसरी था किसी केस के लिए बट ओलिवर लुटकिंस इग्नोर कर रहा था कोर्ट के समन्स को दैट्स व्हाई दे सेंट द नरेटर टू गिव द समन टू ओलिवर लुटकिन एंड हायर देम मतलब उसे खुद लेकर आए वो एंड उसे कहां भेजा गया न्यू मिलियन न्यू मिलियन जो है वो क्या एक कंट्री विलेज है एक विलेज है एंड ही वो सो हैप्पी नाउ नरेटर अब बहुत हैप्पी था ही थॉट दैट इट्स अ विलेज एंड इट हैज़ अ ग्रीनरी ग्रीनरी होगी वहां पर कुछ अच्छा एरिया होगा बट व्हेन ही एंटर्ड द एंड व्हेन ही सा द न्यू विलन ही वाज़ टोटली डिप्रेस्ड टोटली डिसअपॉइंटेड व्हाई बिकॉज द रिवर वॉज फुलर जो थी वो पूरी तरह से, से भरी हुई थी डेवलपमेंट इन दिस एरिया मडी एरिया था आपका एंड जो शॉप थी ऑल दीज आर दुडन शॉप एंड वुप समुडन शॉप आर पेंटेड विद्राउन सोर ब्राउन एंड सम आर विदाउट पेंटेड मीन टू से ऑल दीज आर थर्ड क्लास एरिया बट वन साइट ओनली एग्री साइट अबाउट द प्लेस सिर्फ एक ही चीज़ नरेटर को हैप्पी करती है। दैट इज़ द साइट ऑफ़ द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन जो उसे स्टेशन पर डिलीवरी मैन मिलता है so वो वो सो हैप्पी टू सी हिम। क्या था उसके बारे में बताता है अबाउट फोर्टी फोर्टी ईयर का एक रेड फेस्ड पर्सन था बट ही वॉज सो जोली वो बहुत जोली पर्सन था उसके साथ बहुत सारी मतलब बहुत खुशी से बहुत एक अच्छा वार्म वेलकम उसका करता है देन <coughs> उसके बारे में इंट्रो देता है जो उसे कहाँ पर मिला उसे <coughs> स्टेशन पर मिलता है पर्सन उसके बारे में क्या बताया जाता है कि हिज वर्किंग क्लोथ वर डर्टी मतलब क्लॉथ्स उसके भी डर्टी थे बट वेल वॉर्न बट उसने अच्छे से पहन रखा था एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर उसका मैनर जो था वो बहुत फ्रेंडली था ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी एंड वो ऑथर के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है ऑथर से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है एंड वो कहता है कि मुझे ओलिवर लुटकिन से मिलना है और उसे ओलिवर लुटकिन के बारे में पता था वो ऐसा शो ऑफ करता है कि वो ओलिवर लुटकिन को जानता है एंड वो ओलिवर लुटकिन के करेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करता है कि ओलिवर लुटकिन जो है वो एक ए, किस टाइप का है एक ए, मतलब भगोड़ा टाइप का पर्सन है जो जिसे फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है और वो कहता है कि मेरे पास कैरेज है अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे फाइंड आउट करवाने में आपकी हेल्प कर सकता हूं दोनों बार्गनिंग करते हैं एंड टू डॉलर फिक्स किया जाता है वन आर का कि दो घंटे जो है वो आपको एक आर का दिया जाएगा उन्होंने कहा कि क्या आपको जल्दी है बोला यस मुझे है। आफ्टरनून ट्रेन से वापस सिटी जाना है तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोपहर से पहले ढूंढ लू वहां पर कैरेज जो है या फोर्टी एज का पर्सन जो है जो उसे स्टेशन पर मिलता है वो उसे कहता है कि मैंने उसे अभी अभी यहाँ से जाते हुए देखा था वो फ्रिट्स शॉप फ्रिट्स एक पर्सन का नाम है बारबर शॉप है वो और वो कहता है कि जनरली वो उसके पीछे पोकर गेम खेलते हैं एंड मे बी वो वहाँ पर हो तो हमें उसे वहाँ ढूंढना चाहिए एंड वो दोनों बैठ जाते हैं नरेटर बहुत हैप्पी होता है कि उसे लगता है कि ये तो गॉड ने मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि अब मुझे खुद से फाइंड आउट करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए ऑलरेडी कोई है तो वो बहुत हैप्पी होता है एंड हैप्पीनेस के साथ जब जो कैरेज या हैक ड्राइवर है वो उससे पूछता है कि आप मैं मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बट क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों आप ढूंढ रहे हैं और साथ में वो ऐड करता है कि अगर आप पैसों के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको वो नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो जिसके पैसे ले लेता है वो पैसे रिटर्न नहीं करता है एंड ड्राइवर कहता है कि वो खुद मेरे पैसे ले चुका है फिफ्टी रुपीज मैं मांग रहा हूँ फिफ्टी सेंट मांग रहा हूँ सेंट इज द करेंसी ऑफ दिस चैप्टर फिफ्टी सेंट जो है एक पोकर गेम में मैं उससे हार गया था और बोले कि अगर आप इतने फैंसी क्लॉथ्स में उसके साथ मिलोगे तो वो आपको पहचान जाएगा और भाग जाएगा आपको कभी नहीं मिलेगा वो कहता है कि इसके लिए मैं एक काम करना चाहता हूं कि आप शॉप में ना एंट्री करें आप क्या करें आप आप क्या शॉप में ना एंट्री करके मैं वहाँ पर एंट्री करता हूं और मैं आपकी जगह पूछता हूं कि वो वहां पर है या नहीं है और मैं उसे बाहर ले आता हूँ ठीक है इतनी स्टोरी हमने कल पढ़ी थी यहां तक अब यहां पर <coughs> हमने सेवन यहां पर जब उसने ये कहा कि मैं आपके लिए फाइंड आउट कर देता हूं उसे इस पर विद द हैक ड्राव इज नोविंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माय मैन बाय माई आई माइट नेवर फाउंड लुटकिंस अब यहां पर नरेटर कहता है कि मेरे बिहाव पर मुझे लग रहा था कि मैं लुटकिंस को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा बट बिकॉज ऑफ द हैक ड्राइवर्स हेल्प आई वुड श्योर मैं श्योर था कि मुझे अपना इंसान मिल जाएगा मीन टू तो से मैं ओलिवर लुटकिन को ईजिली फाइंड आउट कर लूंगा नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट यस डियर स्टूडेंट्स आई टूक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्ट टू टू सर्व द समन ऑन लुटकिन मैंने उसे आई हेयर आई इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी आई क्या है यहां पर आपका नरेटर है ठीक है एंड वो कहता है कि मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने कहा कि मैं उसे समन के लिए ढूंढ रहा हूं दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी आर विटनेस वेन हीज इंफॉर्मेशन वुड है वो रहे हैं कि हम ऑलरेडी उसे क्या दे चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे दे चुके हैं, बट वो इग्नोर कर रहा है हमारे को, and अगर वो witness बन जाता है, है, है तो हमारा केस जो वो वो बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब सुनता उसे एट द एंड हिट मी ऑन सोल्जर एंड लाफ वेल गिव ब्रदर सरप्राइज एंड जब नरेटर अपनी स्टोरी फिनिश कर देता है देन ही हिट ही मींस हैक ड्राइवर हैक ड्राइवर हिट द किसको नरेटर को लॉयर को हिट करता है उसके सोल्जर पर कहता है लेट सी लाफ हंसता है वी विल गिव ब्रदर लुटकिन अ लिटिल सरप्राइज चलो एक लुटकिन को थोड़ा सा जो है वो सरप्राइज देते हैं यस लेट्स स्टार्ट ड्राइवर मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कोलमी बिल और मैगुनसन अब वो अपना नाम बताता है हैक ड्राइवर ने अब तक अपना नाम इंट्रोडक्शन नहीं दिया था लेट्स स्टार्ट ड्राइवर यहां पर नरेटर कहता है चलो स्टार्ट करो ड्राइवर और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर फोक्स मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ के जो लोग हैं वो जनरली मुझे बिल और मैगुनसन बुलाते हैं किंग ऑल राइट बिल शैल प्रोसीड टू फ्रीड्स अब वो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है उसके बाद ऑल राइट कौन बोलता है लोयर बोलता है नरेटर बोलता है एंड क्या कहता है वो चलो शेल वी प्रसिड टू फ्रिज क्या हम फ्रिज को फाइंड आउट करने के लिए चले फ्रिज की शॉप पर चले ये लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देर एज एनीयर बोले की yes, वो कहीं पर भी मिल सकता है. चलना चाहिए प्लेज अ लोर्ट ऑफ पोकर वो बहुत ज्यादा पोकर खेलता है ताश तो के जो गेम होते हैं ना जो जुआ हम जिसे कहते हैं जिसमें बैट लगा कर खेला जाता है इट इज नोन एज अ पोकर गेम ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल डिसीविंग मतलब धोखा देना वो लोगों को डिसीव करने में धोखा देने में बहुत एक्सपर्ट है लुटकिन टैलेंट फॉर डिसोनेस्टी सी द राइटर्स क्वालिटी ये होता है इज्जत के साथ बेजती बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी बिल जो है वो क्या कर रहा था यहाँ पर लूटकिंस की डिसऑनेस्टी की प्रशंसा कर रहा था आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लूटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेलड हिम विद रिग्रेट और यहाँ पर नरेटर खुद सोचता है कि अगर बिल जो है वो पुलिसमैन होता तो वो उसे बहुत जल्दी पकड़ सकता था एंड वो उसे जेल दे, भेज देता उसे पश्चाताप के साथ मीन टू से लुटकिंस को खुद रिग्रेट होता कि यस ही हैड डन समथिंग रॉन्ग क्लियर सो द नेम ऑफ द हैक ड्राइवर एस बिल और विलियम मिगिनसन ठीक है मैगुनसन याद रखेंगे और बिल को याद रखेंगे एंड द नेम ऑफ हिज बिजनेस एस फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग क्लियर नेक्स्ट इज द बिल लैग मी इन हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन अराउंड टुडे Friend of his looking for him, said Bill cheerily. Fritz looked at me, hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, Yes, he was in here a little while ago. Guess he is gone over to Gustav's to get a shave. Well, if he comes in, tell him I am looking for him. We drove to Gustav's barber shop again. Bill went in first and I lingered at the door. Yes, in.

उसके जो फ्रेंड्स थे हैक ड्राइवर के वो सारे उसकी तरफ देखते हैं क्यों देखते हैं यही सस्पेंस है नहीं बताऊंगी अभी सेट बियर चिल्फ और बिल जो है ऐसा कहकर हंसता है फ्रेंड्स लुक एट हिम फ्रिट्स जो है नरेटर कह रहा है लुक डैट मी मैं जो बिल के पीछे खड़ा था मेरी तरफ देखता है भाई ये कौन है हाइडिंग बिहाइंड बिल जो छिपा हुआ था बिल के पीछे एंड मुझे देखकर he ही हेजिटेटेड थोड़ा हिचकता है एंड देन एडमिटेड फिर हाँ, करते हुए कहता है यस ही ये इन हियर अ लिटल वाइल एगो वो कुछ टाइम पहले यहां पर था गेस ही इज गोन ओवर टू गिस्टेफ टू गेट अ शेव कि शायद वो गिस्टेफ बार्बर के शॉप पर शेव के लिए गया है अब यहां पर हैक ड्राइवर मतलब बिल दोबारा से कहता है अगर वो आए तो उसे कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा था इतने हम गेस्ट हेफ की शॉप पर जाते हैं और गेस्ट हेफ की शॉप पर अगेन जो है बिल पहले एंट्री करता है और मैं उसके पीछे रहता हूं क्लियर नेक्स्ट इज ही आस्क नॉट ओनली द स्वेडे बट टू कस्टमर्स इफ दे हैस्ट कलेक्ट द डोलर थर्टी फाइव ही ऑनस मी यहाँ पर जैसे ही वो गिस्टेक की शॉप में एंट्री करता है तो वो सिर्फ जो है यहां पर स्वेडे स्वेडे मतलब जो नाई था बार बार था सिर्फ उससे ही नहीं पूछता है बाकी जो कस्टमर्स बैठे थे वहां पर उनसे भी पूछता है कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है तो वो दोनों तो मना कर देते हैं कस्टमर्स लेकिन जैसे ही वो स्वेडर से पूछता है तो बहुत हाइपर हो जाता है थर्टी फाइव डॉलर जरूर ले लेना अदरवाइज आई विल किल हिम मैं उसे मार दूंगा वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट दैट हीस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल तभी उनमें से एक कस्टमर कहता है कि मैंने उसे डाउन स्ट्रीट जाते हुए देखा था मतलब पहले वो फ्रिड्स शॉप पर गए फिर वो गिस्टेफ की शॉप पर गए अभी उन्हें एक कस्टमर ने बताया कि वो डाउन टू स्ट्रीट जा रहा था लेट्स बिगिन देन वी क्लाइंब बैक इन द हैक Bill concluded that since Lutkin had exhausted his credit at Gestaps, he had probably probably gone to Grace for a shave. At Grace Barber Shop, we missed Lutkin by only five minutes. He had just left, probably for the pool room. अब यहाँ पर जैसे ही वो turn करते हैं hack को तो यहाँ पर Bill उन्हें guide करता है कि मे भी गिस्टेव उससे पैसे मांग रहा था इसलिए वो दूसरी बार्बर शॉप पर गया होगा और दूसरी बार्बर शॉप का नाम था ग्रे शॉप कि बोला कि वो ग्रे की शॉप पर वहाँ पर शेव करवाने के लिए गया हूँ तो वो कहाँ जाते हैं ग्रे की वहां पर जाते हैं एंड ग्रे की शॉप पर जाकर ग्रे बार्बर कहता है कि यस आया तो था बट अभी अभी पांच मिनट पहले ही फाइव मिनट पहले ही यहां से निकला है शायद रूम पर जाते हैं तो वो कहता है कि बस उसने सिगरेट का पैकेट लिया और अभी चला गया वो सो वी हिम हम उसका पीछा कर रहे थे जस्ट बिहाइंड वो कह रहे कि हम बिल्कुल उसके पीछे पीछे थे, ठीक है पहले हम फ्रिड्स की शॉप पर गए फिर हम की पर गए फिर हम ग्रे की शॉप पर गए फिर हम पुल रूम पर गए हम बिल्कुल उसके पीछे पीछे जा रहे थे लेकिन हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे और इतने में क्या होता है एक बज जाता है और उसे क्या करना था आफ्टरनून ट्रेन से वापिस जाना था देन

कि नरेटर कहता है आई वॉज सो हंग्री मुझे बहुत भूख लगी थी लेकिन मुझे हैक ड्राइवर की कंपनी इतनी अच्छी लग रही थी कि मुझे भूख फील नहीं हो रही थी और वो जो अपने नेबर्स के बारे में स्टोरी क्रिएट कर रहा था मेरा एंटरटेनमेंट कर रहा था उसमें मैं सब कुछ भूल चुका था इवन मुझे ये भी टेंशन नहीं थी कि मैं लुटकिन को फाइंड आउट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था Uh, I found Lutkins or not? How about something to eat? I suggested let's go to a restaurant. I will buy you lunch. Well, I ought to go to home to the wife. I don't care much for these restaurant. Only four of them and they are all bad. Tell, but we will do. अब जैसे वो कहता कि मुझे भूख लगी है, यहाँ पर तुम किसी restaurant पर ले चलो मुझे और मैं वहाँ से lunch ले लूँगा। तो यहाँ पर दुबारा से Bill Magnuson जो है एक ट्रिक खेलता है क्या ट्रिक खेलता है वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ चार रेस्टोरेंट है तो चार के चार बहुत बुरे हैं मैं अपनी वाइफ के पास तुम्हें ले चलता हूं जो तुम रेस्टोरेंट में पे करोगे वो मेरी कर तो चलिए ये हमारी आज की स्टोरी थी अब यहाँ पर हमारे पास लेक्चर ऑलरेडी हमारा यस लेक्चर ऑलरेडी जो है वो नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ मेंशन करना चाहूंगी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम समअप कर देंगे कि किस तरह से वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है लंच करता है वो फिर वो उसे कहता है कि चलो हमें कहाँ चलना चाहिए मे बी वो घर पर हो लुटकिंस की लुटकिंस की मदर जो है उसके साथ कैसा बिहेव करती है एंड द थीम ऑफ द स्टोरी इज क्या थीम होगी इस स्टोरी की ये एंड के साथ करेंगे हम इसे समअप कि किस तरह से जो ये आप कह सकते हैं कि जो लॉयर था या जो नरेटर था किस तरह से बेवकूफ़ बन जाता है और किस तरह से जब उसे पता चलता है कि हैक ड्राइवर ही लुटकिन था तो वो अपने आप को इतना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में महसूस कर रहा था कि हाउ ही फेस द लिवर लुटकिन जिस जिस पर्सन को वो इतना फ्रेंडली सोच रहा था इतना अच्छा सोच रहा था जिस पर वो ब्लाइंड फेथ कर रहा था किस तरह से उसने उसको यूज़ किया किस तरह से उसके पैसे ऐठे और किस तरह से जो है उसे बेवकूफ़ बनाया पूरे दिन तो इस बात पर जो है नरेटर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है इसी पर बेस्ड हमारे होंगे और इसी पर बेस्ड जो है वो हमारे पास थीम होगी सो डियर स्टूडेंट्स कल करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर यस आपके सिर्फ दो से तीन पैराग्राफ जो है वो पेंडिंग है इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये सिर्फ एक डेमो क्लास था क्विक रिविजन के साथ प्रीवियस सीरीज आप देख सकते हैं किस तरह से हमने प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो ली है एंड किस तरह से आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसी पैटर्न पर जो है आपकी बार चलेंगे पोएम्स पर डायरेक्टली क्वेश्चंस बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली सेम चैप्टर्स पर बेस्ड कल क्वेश्चंस बताऊंगी कि यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स फॉर कॉपरेटिंग थैंक्स अलॉट